नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायो मंड बायोलॉजी पर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे मोनेरा प्रोटीस्टा फंगी प्लांटे एनमीलिया वायरॉइड्स प्रायन्स इन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे फिर उनके क्वेश्चन बनाएंगे और मास्टर करेंगे इस चैप्टर को सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आज मैं आपको इस वीडियो में मोनेरा के बारे में बताऊंगी। अगले वीडियो में आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलते रहेंगे सो लेट्स स्टार्ट सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देर हैव बीन मेनी टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज़म मीन्स जब से जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है तब से ही उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है It was done instinctively not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter, clothing. Pehle means earlier attempts mein organism ko scientific basis pe classify kiya Unhe food, shelter and clothing ke basis may classify kiya jata. Aristotle was the earliest टू अटैम्प्ट अर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में यह है कि एरिस्टॉटल सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन दिया अंडरलाइन दिस एंड मार्क दिस इम्पॉर्टेंट इन योर एनसीआरटी ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इंटू ट्रीज शर्ब्स एंड हर्ब्स ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स विच हैव रेड ब्लडेड एंड दैट दिन नॉट है तो एरिस्टोटल ने प्लांट को ट्रीज शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया और एनिमल्स को रेड ब्लडेड और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता था उन उनके बेसिस पे तो so, एरिस्टोटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट है इन लीनियर्स टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लान एंड एनिमीलिया वॉज डेवलप दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली अब लीनियस आए लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया क्या दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल को रखा था एनिमल किंगडम को रखा था दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यू कैरियर एंड प्रो कैरियोट यूनील मल्टी सेल ऑर्गेनिजम एंड फोटो सिन्थेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक बट इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डिमेरिट्स भी थी जैसे कि इस किंगडम में ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिवाइड नहीं किया गया था क्या ये ऑर्गेनिज्म यूनी है या ये मल्टी सेलर ऑर्गैनिज्म है इसमें भी डिवाइड नहीं किया गया था क्या इनमें कोई ग्रीन पिगमेंट या प्... क्या ये फोटोसिंथेटिक है क्या ये नॉन फोटोसिंथेटिक है इसमें भी ये डिवाइड नहीं कर पाए थे तो ये किंगडम एक फेलियर किंगडम के बेसिस पे फिर कैटेगराइज किया गया इसका कोई यूज़ नहीं फिर हो पाया और इसके बाद नेक्स्ट इसका डिमेरिट ये फर्स्ट डिमेरिट था सेकंड डिमेरिट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन ईदर कैटेगरी मींस मेनी ऑर्गेनिजम्स वर नॉट ईदर फोटो नॉट नॉन फोटो बट दे आर समथिंग अदर मीन्स ये कुछ और ही थे ना ये फोटो थे ना ये नॉन फोटो थे तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले ऑर्गेनिज्म भी इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते थे तो ये सेकेंड डिमेरिट था हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम वॉज इन एडिकुएट मार्क दिस वर्ड दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज इन एडिकुएट बिकॉज ये बहुत सारे फीचर्स को मार्क नहीं कर पाया था और ऐसे ही इसको क्लासीफाई किया गया था सो इट वॉज अ डिमेरिट बाय द साइंटिस्ट बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अनिट वॉज ऑल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक ये तो बात हुई मॉर्फोलॉजी की अब नेक्स्ट आता है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सेल स्ट्रक्चर नेचर ऑफ वॉल्स मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन हैबिटेंट मेथड ऑफ़ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और एनोरजेनेटिक रिलेशनशिप ई टी सी मॉर्फोलॉजिकल था कि क्या वो यूकायोटिक है क्या वो, वो प्रोकैरियोटिक है क्या वो फोटोसिंथेटिक है क्या वो नॉन फोटोसिंथेटिक है अब यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर्सटिक फर्दर कैरेक्टर्सटिक आते हैं जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर उसके नेचर वॉल्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैबिटेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन रिलेशनशिप ई टी सी इस पर भी वो खड़ा नहीं उतर पाया था सो दिस किंगडम के मैंने आपको तीन से चार फीचर्स डिमेरिट्स बताना फीचर्स डिमेरिट्स जिसके कारण ये किंगडम बाद में गलत ही प्रूफ हुआ था सो नेक्स्ट दो प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को फिर मॉडिफाई किया टू किंगडम्स में बहुत सारी डिमेरिट्स तो आई उसके बाद फिर इनको क्लासिफाई किया गया दूसरे दूसरे बेसिस पे तो क्या क्या था दो प्लान्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अन्सटेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम प्लान्स एंड एनिमल किंगडम हमेशा से ही सेम रहे थे लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐडअप हुए और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड हो गए क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्लान्ट एनिमल्स में होने वाले फीचर्स नहीं प्रेजेंट होते थे डिफरेंट दो प्लान्ट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंट सिस्टम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑर्गेनिज्म और ग्रुप बी इंक्लूडेड अंडर अंड किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर ऑफ नेचर ऑफ़ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट कांसेप्ट था कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है कैसे कैटेगराइज किया जाता है उस बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस आए समय के वेग में बहुत सारे चेंजेस आए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये है कैरेक्टिक और फ़ाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा नहीं है सो so, चलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे आर एच बिटेकर नाइनटीन आर एच विटेकर नाइनटीन सिक्सटी नाइन ये वर्ड आप मार्क कर लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आपको ईयर नहीं याद होता है तो आप सीधे पूरा लीजिए आर एच बिटेकर नाइनटीन सिक्सटी नाइन आप यही सोच लीजिए कि ये इंसान का नाम आर एच विटेकर नाइनटीन सिक्सटी नाइन ही था ठीक है तो इस इन्होंने क्या किया इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज़ किया आर एस विटेकर ने नाइनटीन आर एस विटेकर नाइनटीन सिक्सटी ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया द किंगडम डिफाइंड बाई हिम वॉज वर मोनेरा प्रोटीस्टा फंगी प्लांटे एंड एनीमीलिया इन्होंने फाइव किंगडम दिया <coughs> जो मोनेरा प्रोटीस्टा फंगी प्लांटे एंड एनीमीलिया था द मेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन्होंने किस आधार पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी किंगडम में रखा था तो वो था पहला सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और एवोल्यूशन रिलेशनशिप इस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया अब अब हम लोग चलते हैं ये वाले चार्ट ठीक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो पहला फाइव किंगम क्लासिफिकेशन में क्या क्या रखा गया था किस किस को तो सबसे पहले मोनेरा को रखा गया था प्रोटीसटा फंगी प्लांटे एनिमीलिया और अब उनका जो कैरेक्टर्स किस कैरेक्टर्स कैरेक्टसटिक में वो बैठते हैं अब ये देखेंगे तो मोनेरा सबसे पहला है मोनेरा मोनेरा का सेल टाइप ये प्रोकैरियोटिक होता है इसका सेल वॉल क्या होता है नॉन सेलोजिक पॉली सेक्ट्राइड प्लस अमीनो एसिड इसमें पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एबसेंट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलर होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है ऑटोट्रॉफिक होता है या तो ये कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होता है मीन्स ये तो या ये ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या ये इसमें फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक या तो ये खुद से खाना बना सकता है फोटोसिंथेटिक या ये किसी और पे रह के खाना बना सकता है या खाना ले सकता है सो so नेक्स्ट आता है फिर प्रोटीस्टा प्रोटीस्टा का सेल टाइप होता है नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है इसमें प्रेजेंट होता है इसका सेल वॉल बनता है पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी सेलुलर होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक फोटो और हाइड्रोट्रॉफिक भी होता है मीन्स ये अपना खाना बना भी लेते हैं या जब नहीं अगर सनलाइट होता तो ये खुद से खाना बनाता भी है और या तो अगर सनलाइट और खा भी लेता है अगर सनलाइट ना हो तो नेक्स्ट आता है फंगी फंगी जो होता है उसका सेल्टाइप यू कैरियोटिक होता है सेलवॉल प्रेजेंट विथ काइटीन इसका जो सेल वॉल होता है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इसका सेल वॉल काइटीन से बना होता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलर लूज बॉडी होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाइड्रोटॉफिक या तो पैरासाइटिक होगा या सैप्रोफाइटिक होगा ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के उसी आ, होस्ट से खाना लेगा या ये डेड डे मैटर पे खाना लेगा जस्ट लाइक अ मशरूम ओके नेक्स्ट आता है प्लांटे प्लान्टे होता है यूकैरियोटिक इसका सेल टाइप होता है यूकैटिक इसका सेल वॉल होता है इसका इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो सेलोज से बना होता है मार्क दिस वर्ड दिस इज दिसलोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल या ऑर्गेन लेवल का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलवेज ऑलोट्रॉफिक ये अपना खाना खुद बनाता है ये स्वयं अपने से खाना बनाता है नेक्स्ट है एनीमीरिया एनीमीलिया का सेल टाइप होता है यूकियाटिक और इसमें जो सेलवाल होता है वो एब्सेंट होता है सेलवॉल एब्सेंट न्यूक्लियम एमजाइन प्रेजेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम लेवल का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक ये अपने से खाना नहीं बनाते हैं ये किसी पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए तो इस चार्ट को मैंने कवर कंप्लीट कर दिया है अगर आपको कोई भी कन्फ्यूशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको बता दूँगी अगर आपको फिर से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप फिर से पीछे जाके देखें ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थ्री डोमेन सिस्टम में ओके द थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनरा इंट टू डोमेन्स तो इसमें क्या कहना चाह रहा है द थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इंटो टू डोमेन्स मीन्स मोनेरा को दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया था एंड लिविंग द रिमेनिंग यू कैन किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड द बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गवन ओके तो मोनेडा का हो गया दो डोमेन ओके तो मोनेरा प्रोटीस्टा फंगी प्लांटे एनिमिलिया ये हुआ इसमें सॉरी ये एक ये दो सॉरी इसमें भी एक इसमें भी एक और इसमें भी एक ठीक है मैं फिर से आपको बताती हूँ सो मोनेरा मोनेरा का हुआ टू मीन्स मोनेरा को टू डोमेंस में डिवाइड किया गया था तो टू प्रोटीस्टा फंगी प्लान्ट एनिमीरिया इसमें वन 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 अब इन चारों का ऐड कर दो तो हुआ फोर फोर प्लस टू सिक्स तो इस प्रकार से सिक्स सिक्स डोमेन का आविष्कार हुआ था तो ऐसे ही सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कॉन्सिड्रेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आलगी फंगी मोस स्पर्न gymnosperms, and the angiosperms and the द The द कैरेक्टर unified दिस होल kingdom was दैट ऑल द organism included had a cell वॉल इन दिस सेल दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर characteristics. तो अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है मैंने इतना तो आपको पढ़ा अब मैं आपको समझाती हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है इस किंगडम में प्लांट के किंगडम में पहले अर्लियर में अर्लियर साइंटिस्ट ने प्लांट में बैक्टीरिया लूक ग्रीन एल्गी फंगी मोस जिमनोसपर्न फर्म्स एंड एनजीओस को साथ में रख दिया था विदाउट एनी क्लासिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन किस बेसिस पे रखा कुछ भी नहीं सीधे रख दिया किसी एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक को लेके द कैरेक्टर आइडेंटिफाई दिस होल किंगडम वज दैट ऑल द दर्गेजम इंक्लूडेड हैज सेल वॉल्स इन दियर सेल्स दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर द कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो ग्रुप uh, था वो uh, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से बहुत अलग था जैसे फॉर एग्जांपल इट ग्रॉट टुगेदर प्रो कैटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन आल्की विद अदर ग्रुप्स विच वर यू कैटिक मीन्स जो प्रोकाटिक बैक्टीरिया है वो तो प्रोकाटिक है उसको ब्लू ग्रीन आल्की और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि यू कैटिक है उनके साथ प्लेस कर दिया गया था ओके इट ऑल्सो ग्रोट टुगेदर द यूनीलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टी वन Say for example, were placed under algae. प्लेस्ड classification did क्लासिफिकेशन differentiate between the बिटवीन groups fungi ग्रुप्स फंगी एंड green plants. ग्रीन they also showed ऑल्सो शो difference in डिफरेंस इन composition. The fungi फंगी हैड chitin. इसमें बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे ग्रुपिंग में ऐसा हो गया था कि ऑर्टोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ इकट्ठे ग्रुप कर दिया गया था जैसे फॉर एग्जांपल फंगी को फंगी को और प्लांट को मींस uh, जो जि, uh, फंगी जिसमें काइटीन पाया जाता है और प्लांट जिसमें सेलोस पाया जाता है उसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था और ये एक सबसे बड़ा डिमेड था ओके इन दर्ल्ड वाल द ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स थे वो सरलोजिक सेल वॉल के थे वन सच कैरेक्टरिस्टिक वर वनसिडर्ड द फंगी प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम किंगडम फंगी All prokaryotic organisms were grouped together and the Kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism were placed in Kingdom Protista. Now, the pro uh, prokaryotic organism has brought Kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organism has brought Kingdom Protista. Rakha gaya tha. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, Paramecium, and Amoeba. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kingdom of change will take place in future too depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. Okay, padhne se hai ki topic because they are random paragraphs and they are not so important. So now we are going to discuss about kingdom monera. किंगडम मनरा बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मनरा दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरी वे बैक्टीरिया जो होते हैं वो किंगडम मनरा के सोल मेंबर होते हैं मीन्स वो पक्के दोस्त होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये बहुत ज़्यादा मीन्स वाइडली प्रजेंट होते हैं हमारे इन्वामेंट में बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरी वे मीन्स ये हमेश हर जगह प्रेजेंट होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर आप अपने हाथ में एक मिट्टी मिट्टी ले लो तो उसमें आप अगर माइक्रोस्कोप में रख के देखो तो उसमें हंड्रेड से भी ज्यादा बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे दे ऑल्सो लिव इन अ हार्श हैबिटेट्स लाइक इन हॉट स्प्रिंग डेजर्ट स्नो डीप ओशन वेरी वेरी फ्यू वेरी वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव मीन्स वो ऐसे ऐसे जगहों में भी पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म नहीं होता है मीन्स वहाँ कोई ज़्यादा जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता जैसे कि हॉट स्प्रिंग डिजर्ट स्नो डिपोशंस ई बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन यर शेप अब बैक्टीरिया को उनके शेप के द्वारा शेप के कारण चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पहला द स्वेरिकल कोकस ठीक है स्वेरिकल कोकर्स जिसका प्लूरल फॉर्म है कोकी प्लूरल फॉर्म कोकी स्व कोकस ये है स्वेकल कोकस नेक्स्ट है द रॉड शेप्ड बैसिलस और प्लूरल में है बैसिली द रॉड शेप बैसिली, चूँकि ये रॉड जैसे दिख रहे हैं ओके okay. नेक्स्ट है द कोमा शेप्ड विब्रियम, कोमा शेप्ड विब्रियम, प्लूरल में विब्रियो, देखिए ये है कोमा शेप्ड विब्रियम या विब्रियो एंड द स्पाइडल स्पाइरलम बिकॉज इसमें स्पाइरल मीन स्पाइरलम स्पाइरल जैसा है ऐसे ऐसे है इसलिए इसका नाम ऐसा स्पाइरल स्पाइडिलम रखा गया है और इसका फ्लूडल है स्पाइडिला तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है उनको उनके शेप के द्वारा चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है या कैटेगोराइज किया गया है आई एम सॉरी इफ आई टोल एनी थिंग ओ ये था नेक्स्ट दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो हमने देखा जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था ठीक है दे दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर सॉरी कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑर्थोट्रॉफिक दैट इज देसाइज ओन फूड सो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट अभी हम लोगों ने यह देखा कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर था वो बहुत सिंपल था पर वो कॉम्प्लेक्स उनका उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे कम्पेरिजन दूसरे ऑर्गेनिज्म के कम्पेरिज़न में बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मीन्स जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के कम्पेरिज़म कैसे सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब कि वो अपना खाना दैट इज़ दे सिंथिसाइज दिए फूड फ्राम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मीन्स ये अपना uh, ये जो खाना होता है ये इनआर्गैनिक सबस्ट्रेट से लेते हैं दे मे भी फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये खुद आ, इन ऑर या सब से सिंथेसाइज़ करते हैं अपना खाना क्या आ, ये या तो फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और या तो कैमोसिथेटिक केम, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक दैट इज देपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम ऑन अदर ऑर्गेनिजम और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड मीन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए क्योंकि हो सकता है ये खाना ना बनाए मींस ये हेड्रोट्रॉफिक हो इसलिए खाना ना बना सकते हो ठीक uh, है तो इतना हम लोग ने देखा अब फिर से हम लोग इस पैराग्राफ को रिवाइज करते हैं दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन दियर बिहेवियर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं उनके स्ट्रक्चर में पर उनका कॉम्प्लेक्सिटी उनके बिहेवियर मुझे लगता है कैसे लेट्स सी हाउ कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एस अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो बैक्टीरिया होता है उनका जो मेटाबॉलिक डाइव उन, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत डाइवर्स होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन, जिसके कारण जो उनका बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स बताया जाता है मींस मेटाबॉलिज्म, उनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जिससे उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर डाइवर्स होता है ओके सो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक दैट इज़ देथिसाइज दे ओ ओन फूड फ्राम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट वो ऑटोट्राफिक होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से भी बनाते हैं फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं लाइट को कंज्यूम uh, करते हैं लाइट को एब्जॉर्व करते हैं खाना बनाते हैं उससे कि वो सिंथेटिक ऑटोट्राफिक हो सकता है वो केमिकल को कहीं से सिथिसाइज करते होंगे कहीं से एब्जॉर्व करते होंगे उससे खाना बनाते होंगे बहुत सारे जो बैक्टीरिया होता है वो हैट्रोट्राफिक होते हैं मीन्स में डिपेंडेंट होता है किसी पर कि मेरे को खाना चाहिए मैं लूँगा मैं किसी और से लूँगा मैं खुद नहीं बनाऊँगा ओके okay, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया का फीचर्स कि वो क्या है कैसा है उनका बिहेवियर और वो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स होते हैं नेक्स्ट इसी में आता है आर्की बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हॉट स्प्रिंग एंड मार्शी एरियाज़ जो आखी बैक्टीरिया होते हैं ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल मीन्स एक बहुत ही हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं आ, ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जो जहाँ पे सर्वाइव करना असंभव ही होता है टेंट इम्पॉसिबल होता है जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जिसको हेलोफाइंस कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाला वर्ड बहुत बड़ा आया है हॉट स्प्रिंग थर्मो मार्शी एरियाज़ मिथानोजेंस आर की बैक्टीरिया डिफर फ्राम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिए सर्वाइवल इन एक्सट्रीम इनहेबिटेड इसमें यह भी पता रहा है कि ये क्यों ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं या आ, इनके सर्वाइवल का कारण क्यों है क्या है तो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर ही इनके सर्वाइवल का कारण है जो इनको एक सपोर्ट देता है कि ये यहाँ रह सकते हैं नेक्स्ट मिथानोजन प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवन रूमिनट एनिमल्स काओ बफेलोस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द ट ऑफ दीज एनिमल्स जो मिथानोजन होता है वो बहुत सारे रूमिनंट एनिमल्स के गट में पाया जाता है जैसे कि काओ बफेलोस और इसी के कारण यहाँ पे ये बैक्टीरिया होते हैं और इसी के कारण यहाँ पर मिथेन गैस बनता है और ये एनिमल के डंग से निकलता है ओके सो नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया जो uh, यू बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे होते हैं अपने तादाद में मीन्स थाउजेंड्स में पाए जाते हैं और इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है सो दे आर थाउजें ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया दे आर कैरेक्टिवाइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रेजिड सेल्वॉल एंड एफ मोटाइल ऑफ फ्लाजलम तो जो यू बैक्टीरिया है उसको हम लोग चू बैक्टीरिया भी कहते हैं चू बैक्टीरिया ठीक है और चू बैक्टीरिया दे आर कैरेक्टिवाइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रेजिड सेलवॉलॉल इनके पास रेजिड सेलवॉल होता है और अगर ये मूव कर सकते हैं तो इनके पास एक फ्लाजलम भी होता है द साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एस ब्लू री नालगी हाफ chlorophyll A, similar to green plants and are photosynthetic autotroph means jo जो साइनोबैक्टीरिया होती है उनके पास फ्लोरफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लाट्स में ही पाया जाता है और ये फोटो सिंथेटिक भी होते हैं मीन्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और फोटो का प्रोसेस को करते हैं जिससे इनको खाना ये खुद बना लेते हैं और खा लेते हैं दाइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर क्लोनियल और फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया होता, होता है वो क्लोनियल होता है वो यूनिसेल होता है या फिलामेंटस होता है फ्रेश वाटर मरीन वाटर या टेस्टल एरिया में पाए जाते हैं द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई गिलाटना शीट जो कॉलोनीज़ होती है वो गिलाटिना शीट शीट्स से सराउंडेड होती है दे ऑफ इन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज ये ब्लूम्स फॉर्म करती है कहाँ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल हाइड्रोसिस्ट जो हैड्रोस होती है वो एक स्पेशलाइज सेल होते हैं ठीक है

किस सच एज नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया एंड अदर एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर दी ए टी पी प्रोडक्शन दे प्ले अ ग्रेट रोल इन सी रिसाइकलिंग न्यूट्रिय लाइक नाइट्रोजन फॉसफोलस आयरन एंड सल्फर ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं किसका नाइट्रोजन फॉसफोलस आयरन सल्फर नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हाइड्रोटॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होता है वो इन्वामेंट में बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स मेजोरिटी जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स uh, सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दे मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्नीफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन अफेयर्स वो डायरेक्टली ह्यूमन अफेयर्स मीन्स ह्यूमन के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं फॉर एग्जांपल दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क ये मिल्क से कर्ड को फॉर्म करते हैं जैसे लैक्टोबैस बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक जैसे पेनीसिलियम ठीक है फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम में लेग्यूम रूट्स में एक्सेट्रा सम सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन पर ये जो हैपोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये डैमेज भी कॉज करते हैं ह्यूमन को कैसे ह्यूमन को क्रॉप्स फार्म एनिमल्स एंड पेट कॉलेरा टाइफॉइड टेक्नस साइट्रस कैंकर एज वेल नोन डिजीज कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरियाज तो ये हार्मुल भी होते हैं कुछ तरह से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाईन अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं बैक्टीरिया रिप्रड्यूसर बाय फिजन ये फिजन से ब्रेक करते हैं जैसा कि आप इस डाइग्राम में देख रहे हैं दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस समेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये स्पोर फॉर्म कर देते हैं दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग अब प्रव टाइप ऑफ डी एन ए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं कैसे ये डी एन ए को अडोप्ट करते हैं प्रिमेटिव टाइप ऑफ डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरियम से अडॉप्ट uh, करते हैं और इससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सो माइकोप्लाज्मा द माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल कम्प्लीटली लैक्स द सेलवॉल दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन माइको प्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गैनिज्म है जो सेलवॉल लैक करता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे आर द सिंपलेस्ट लिविंग सेल नोन इट इज़ द वेरी सिम्पलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाता है मनी माइक्रोप्लाज्माज आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लान्टो माइको प्लाज्मा है वो पैथोजेनिक होता है मीनस ये किसी के अच्छे काम में तो देगा नहीं साथ ये पैथोजेनिक होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में तो इसका डिमेरिट ये है कि एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल वॉल लैक करता है इसमें सेल वॉल नहीं होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग है ये ऑक्सीजन uh, के बिना भी सर्वाइव करता है और ये पैथोजेनिक है सो विद दिस वी कम टू एंड विथ किंगडम मोनिरा एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वील इन द नेक्स्ट वीडियो सॉरी वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम फ्रोटी So, till then, thank you. Stay tuned. If you like this video, please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Thank you so much.